तथा न्यूमेटिक हमारा पाठ चल रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको वायवीय संयंत्रों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वायवीय संयंत्र क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वायवीय संयंत्र वायवीय नियंत्रक प्रणाली कंप्रेसर की सप्लाई पर किया जाता है या कार्य करता है। ठीक है, न्यूमेटिक सिस्टम साफ सूखी संपीड़ित वायु द्वारा कार्य करता है। आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा वायवीय संयंत्र है ये न्यूमेटिक प्रणाली है, हवा के प्रेशर पर कार्य करती है और इसमें सूखी हवा प्रयोग में ली जाती है, सूखी तथा साफ। साधारण भाषा में समझ में आया होगा आपके। ठीक है, इसके बाद में आता है इसके हमें लाभ क्या होते हैं या लाभ इसमें दिए गए हैं। पहला है, वायुमंडल में हवा सभी जगह मौजूद होती है, क्योंकि कहीं भी हम इस न्यूमेटिक का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें दिक्कत नहीं आएगी कि हवा कहाँ से लाए। तो वायुमंडल में हमारे हवा मौजूद है, कहीं पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं हवा का। नंबर दो, इसके लिए वापसी लाइनों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसके लिए वापसी लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, हवा के द्वारा अपशिष्ट नहीं मिलता जिससे प्रदूषण नहीं फैलता। ये जो हवा है इसका प्रयोग करने से या इसको प्रयोग में लेने से इसमें कुछ भी अवशिष्ट नहीं मिलता या नहीं बचता, तो प्रदूषण होने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, नंबर चार, हवा विस्फोटक नहीं होती। हवा जो होती है विस्फोट नहीं करती है। ठीक है, विस्फोटक नहीं होती है। ये भी न्यूमेटिक में प्रयोग करेंगे तो विस्फोट होने का कोई खतरा नहीं है। हवा क्या है कि ये साफ सूखी और वायुमंडल से प्रयोग में ली गई साधारण हवा है। ठीक है, पांचवा बिंदु है हमारा, न्यूमेटिक उपकरणों के प्रयोग से गति तथा बल में परिवर्तन लाया जा सकता है या बदला जा सकता है। किससे? हवा के प्रयोग से, न्यूमेटिक उपकरणों को प्रयोग करके। ठीक है, इसके बाद मैं इसके अवगुणों के बारे में बताता हूँ। अभी तो हमने इसके लाभ के बारे में जाना कि न्यूमेटिक से क्या लाभ मिलते हैं। इसमें कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं, न्यूमेटिक का प्रयोग करने से हमें जो अवगुण मिलेंगे उनके बारे में मैं बताता हूँ। तो पहला है हमारा, संपीड़ित वायु को अच्छी तरह से साफ करनी पड़ती है या उसको कह सकते हैं फिल्टर करने पड़ता है। साफ वायु ही प्रयोग में लानी होने के लिए इसे साफ करना पड़ता है। ठीक है, संपीड़ित वायु को। दूसरा है, निकासी के समय ध्वनि प्रदूषण करती है। जब ये प्रेशर न्यूमेटिक वाला चल रहा होता है या हवा निकल रही होती है तो वह ध्वनि प्रदूषण आवाज़ करती है, आवाज़ से हमारे ध्वनि प्रदूषण होता है। तीसरा है, शक्ति परीक्षण के लिए संपीड़ित वायु महंगी पड़ती है। इस संपीड़ित वायु को हमें प्रयोग में लाना है और शक्ति परीक्षण करना है या शक्ति को ट्रांसफ़र करने में या शक्ति के प्रयोग में, तो ये हवा हमें महंगी भी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी अवगुण है कि महंगी होने के कारण इसका अवगुण है। ठीक है, नंबर चार, संपीड़ित वायु निश्चित बल पर कार्य करती है। अगर अधिक बल लगा देंगे या ज़्यादा या कम, ज़्यादा लगाने पे क्या होगा कि वह या तो पाइपलाइन को ब्लास्ट करेगी, फाड़ देगी, या फिर अधिक भार रख देने पर वह प्रेशर काम नहीं करेगा।
तो न्यूमेटिक में हमारे ये अवगुण है, ठीक है, समझ में आया होगा कि अधिक बल पर कार्य नहीं करेगी। अगर ज़्यादा बल लगा दिया तो प्रेशर काम नहीं करेगा, न्यूमेटिक प्रेशर काम नहीं करेगा। इसके नियंत्रण के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। नियंत्रण के लिए हमें इसमें वाल्वों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें दो प्रकार से दिया गया है, एक दिशा नियंत्रक वाल्व और दूसरा है हमारा दाब नियंत्रक वाल्व, जो प्रेशर को बताता है और ये दिशा को बताता है, का प्रयोग किया जाता है। इससे हवा के प्रेशर को चलाया या नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। इन दोनों वाल्वों का प्रयोग करके हम जो न्यूमेटिक प्रेशर है उसको चला सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं व रोक सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपके इसके अवगुणों के बारे में और इसके नियंत्रण के बारे में। परीक्षा में पूछा जाता है कि न्यूमेटिक प्रेशर का मुख्य अवगुण क्या है, तो ये महंगा पड़ता है, ठीक है, इसमें से पूछा जा सकता है, या कह सकते हैं इससे कौन सा प्रदूषण होता है। न्यूमेटिक प्रेशर से तो ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, याद कर लेना, आईटीआई की परीक्षा में पूछा जाता है।